रामपुर के चुनावी मैदान में भाजपा नेता जयप्रदा के उतरने से माहौल और गर्मा गया है। जया प्रदा और आजम में पुरानी तकरार है। जब जया सपा में हुआ करती थी, दोनों के बीच टकराव का तब का लंबा अध्याय सामने आया था। जया प्रदा के भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचने पर आजम ने तंज किया था। अब जया ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वक्त की लाठी की मार बहुत तेज होती है। रामपुर में फिर से आजम खान बनाम जया प्रदा की जुबानी अदावत की चर्चा सरगर्म है। बड़ी मेहनत से तुम्हें पार्लियामेंट की सीट जीत कर दी थी। किससे जीती थी? मैंने हिंदुस्तान की एक बहुत मशहूर फिल्म अदाकारा से, जिनका बहुत ग्लैमर था रामपुर में। ऊपर ऊपर भगवान है, इसको वो लाठी चला रहे। अल्लाह ने जो लाठी चलाया उसका कोई आवाज नहीं होती। कभी एक साथ एक ही पार्टी के मंच पर नजर आने वाले आजम खान और जया प्रदा के बीच सियासत की अदावत पुरानी है, जो रामपुर उपचुनाव के सियासी मुकाबले में नए रंग में नजर आ रही है। दो बार की सांसद रही हुई, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, इसके बावजूद आजादी के एक लंबे सफर में 1947 के बाद आपकी झोली में लाकर डाल दी थी ये सीट, तकरीबन 1.5 लाख वोटों से जीतकर। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में जया प्रदा और आजम खान चुनावी मुकाबले में आमने सामने थे। उस वक्त आजम जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि उसी चुनाव में आजम के बयानों ने अब उनके लिए सियासत की राह मुश्किल कर दी है। उनके जुबान जो है इतने गंदी जुबान है कि उन्होंने महिलाओं को पाजेब बोलेंगे। क्या मैं पाजेब हूँ? जयप्रदा पाजेब है? क्या मैं ठुमके लगाने वाले हूँ? इस तरह के जो गंदे गंदे जो अभद्र शब्द इस्तेमाल करते हुए हद पार कर दिया था। ऊपर ऊपर भगवान है, इसको वो लाठी चला रहे। अल्लाह ने जो लाठी चलाया उसका कोई आवाज नहीं होती है। जिस हेट स्पीच केस में आजम खान सजा याफ्ता हैं और उन्हें अपनी विधायकी से हाथ धोना पड़ा, वो साल 2019 का है, जिस पर जया प्रदा का कहना है कि आजम खान अपनी बदजुबानी की कीमत चुका रहे हैं। गाली देना आता है आपको, सम्मान करना नहीं आएगा आपको। महिलाओं को सम्मान करो, महिलाओं के आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। ये आजम के लिए जो आपने किया हुआ कर्म के वजह से ही आज सजा पा रहा है। रामपुर के चुनावी युद्ध में प्रचार के लिए जया प्रदा की एंट्री ठीक उस वक्त हुई है जब रामपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव शबाब पर है और आजम खान आंसुओं और तल्ख बयानबाजी के आसरे अपनी साख बचाने में जुटे हैं। शुक्रवार का दिन रामपुर की सियासत में बड़ा होने वाला है। कल सीएम योगी रामपुर उपचुनाव में पहली जनसभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है शुक्रवार को जब सीएम योगी मंच संभालेंगे तो उनके निशाने पर होंगे आजम खान और अखिलेश यादव, जिन्होंने आज रामपुर से योगी सरकार पर खूब हमले किए। रामपुर के मैदान में आजम और अखिलेश ने मिलकर भाजपा पर चुभने वाला हमला बोला। इस दौरान भाजपा सरकार से लेकर सीधे सीएम योगी पर निशाना साधा। और आज गौकशों की चांदी आई हुई है, सबसे ज्यादा सम्मान उन्हीं को मिल रहा है, और जो असल भाजपा वाले थे वो दरी बिछा रहे, वो दरी बिछा रहे। क्या होगा? ये कैसा हिंदुस्तान है? ये क्या हो गया? गौकशों का राज आ गया? वजीर आला आप तशरीफ लाने वाले हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे प्यारे गौक प्यारे क्यों हैं? क्यों है गौक प्यारे? अब बारी सीएम योगी की है। शुक्रवार को सीएम योगी रामपुर में पहली चुनावी सभा करेंगे और माना जा रहा है कि इस उपचुनाव के संग्राम का पारा इससे और चढ़ेगा। प्रचार 3 दिसंबर की शाम को खत्म होगा। इससे एक दिन पहले सीएम योगी रामपुर पहुंचेंगे तो जाहिर है निशाना तीखा होगा।
ये जो लोग अन्याय कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, जो सत्ता में मुख्यमंत्री हैं, उनकी फाइल मेरे सामने आई थी। हम लोग समाजवादी लोग हैं, कभी नफरत और एक दूसरे को परेशान करने वाली राजनीति नहीं करते। हम लोगों ने फाइल वापस कर दी थी। और ये बात अगर गलत है, अधिकारियों से पूछते हैं सरकार के लोग। अब हम लोगों को इतना मजबूत मत बनाओ, इतना कठोर मत बनाओ कि अगर हम लोग सरकार में आ जाएं तो आपके खिलाफ भी वही कार्रवाई करें जो आज कार्रवाई की। हाल के दिनों में जिस तरह खतौली से लेकर अलग अलग प्रबुद्ध सम्मेलन की सभाओं में सीएम योगी के तेवर दिखे हैं, वो बहुत कुछ इशारा दे रहे हैं। कबाल का बबाल इस समाजवादी पार्टी का कलंक है। ये सपा उस समय की लोकदल पार्टी के संयुक्त गठबंधन सरकार की देन थी, जो एक क्रूर अत्याचार हिंदू नौजवानों पर और यहां के नागरिकों पर करने की साजिश का हिस्सा था। निर्दोष सचिन और गौरव जिस तरीके से निर्मम और बर्बर अत्याचार के शिकार हुए थे, कौन इसको विस्मृत कर सकता है। सीएम योगी की रामपुर में भरी जाने वाली हुंकार के बाद यहां का चुनावी तूफान क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ने वाला है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैनपुरी के चुनावी मंच से शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के लिए छोटे नेताजी की शब्दावली गढ़ी, जिस पर अब भाजपा कह रही है कि अखिलेश छोटे नेताजी नहीं बल्कि छोटे नेता भर है। दरअसल शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को छोटे नेताजी कहकर मैनपुरी की चुनावी लड़ाई को मुलायम सिंह यादव की शख्सियत से जोड़ने की कोशिश की थी और सपा यही कोशिश भाजपा को चुभ रही है। भले ही शिवपाल के इस बयान के 24 घंटे से ज्यादा हो गए हों, लेकिन भाजपा के खेमे में खलबली कम नहीं हुई। कहेंगे नेताजी से तो नेताजी कैसे ही थे। हम चाहते हैं अखिलेश यादव तुम थे छोटे नेताजी, यहाँ की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता छोटे नेताजी के नाम से पुकारे। शिवपाल ने अखिलेश को छोटे नेताजी क्या कहा, भाजपा के खेमे में अब भी खलबली मची है। शिवपाल के बयान पर हो रहा है बाहुबली प्रहार। शिवपाल जी को जैसे उन्होंने लांछित करके समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करने का काम नहीं किया अखिलेश यादव जी ने, अब शिवपाल जी के पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी में वंशवाद की परंपरा है, उसे वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिवपाल के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश छोटे नेताजी नहीं, छोटे नेता हैं। चुनावी चाचा छोटे नेता, वो उनको चुनावी चाचा बना लिए और चुनावी चाचा ने उनको छोटे नेता बना लिया, लेकिन जनता उनको कुछ नहीं बनाने वाली है, क्योंकि वो दोनों के बारे में जानती है। ये चाचा भतीजे का जो इतिहास है, पूरा प्रदेश काफ़ी कुछ जानता है, लेकिन मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के लोग तो उनके रग रग से परिचित हैं। गैर यादव पिछड़े वोटरों के ध्रुवीकरण के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। केशव प्रसाद मौर्य ने यहां डेरा डाल रखा है। मैनपुरी के जसवंत नगर में सभा के बाद उन्होंने एबीपी गंगा से बातचीत की। मौर्य का दावा है कि मैनपुरी में लड़ाई 65-35% वोट की है। ऐलान है कि 65% वोटर तो कमल पर मोहर लगाने को तैयार बैठे हैं। मेरा दावा है कि यहाँ सपा के खिलाफ, सपा प्रत्याशी के खिलाफ, सैफई परिवार के खिलाफ 65% वोट है, वो 35% में लड़ रहे हैं, उसमें भी हम ले रहे हैं। मैनपुरी सीट पर जीत के लिए सपा और भाजपा के लिए जोर आजमाइश का दौर जारी है। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव और भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य गांव गांव घूम रहे हैं। लड़ाई अब बूथ से कहीं आगे बढ़कर दरवाजे दरवाजे तक पहुंच गई है। एक एक वोट की लड़ाई है। धर्म की धुरी पर राजनीतिक समीकरणों को कसा जा रहा है। प्रतीकों और पहचानों को आधार बनाकर सियासत का ताना बाना बुना जा रहा है।
होल बंद करने में जुटे हैं, तो अब डिंपल यादव भगवान कृष्ण की प्रतिमा के आसरे नरम हिंदुत्व का संदेश दे रही है। भाजपा राम का नाम दोहराती है तो सपा कृष्ण का संदेश दे रही है। नेताजी के नाम पर समाजवादी पार्टी की जीत को बड़ी बनाने के लिए डिंपल यादव गांव गांव जा रही है, बुजुर्गों के आशीर्वाद ले रही है, महिलाओं से मिल रही है, हर उस वर्ग को साध रही है जिसकी संख्या बहुत ज्यादा तो नहीं पर भूमिका निर्णायक हो सकती है। पहला ऐसा चुनाव है जो हमारे आदरणीय नेताजी हम लोग के बीच में नहीं है, और जितने भी आदरणीय बुजुर्ग जन यहाँ मेरे सामने उपस्थित हैं, बैठे हुए हैं, मेरा मानना है कि आप सब ने कहीं ना कहीं नेताजी का उनके संघर्षों में साथ दिया है। वहीं भाजपा जमीनी लड़ाई को बूथ लेवल से अब घर घर तक पहुंचा चुकी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जसवंत नगर के उसी ताखा में तूफानी प्रचार किया जहां एक दिन पहले अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने साझा सभा कर बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया था। केशव प्रसाद मौर्य के निशाने पर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की नई सुलहबंदी थी। केशव मौर्य ने कहा कि चाहे जितने दावे किए जाएं लेकिन सपा के नेताओं को लोक व्यवहार से मतलब नहीं। वरिष्ठ नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, देश के रक्षा मंत्री थे, उनके निधन से, मुलायम सिंह यादव जी के निधन से दुखी हम लोग भी, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धांजलि दी, हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, लेकिन क्या मैं ये बात भूल सकता हूं? हमारे उत्तर प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी कल्याण सिंह जी भी का निधन हुआ था, और क्या ये एक श्रद्धांजलि के पुष्प भी अर्पित नहीं कर सकते थे? पूर्व सीएम कल्याण सिंह का केशव प्रसाद मौर्य ने एक खास मकसद से जिक्र किया है। दरअसल भाजपा ये साबित करना चाहती है कि उसने नेताजी मुलायम सिंह यादव जैसे जमीन से जुड़े नेताओं को पूरा सम्मान देने में कभी हिचक नहीं दिखाई, खुलकर उन्हें नमन किया, लेकिन अखिलेश यादव ने कल्याण सिंह को लेकर ऐसा सम्मान नहीं दिखाया। दरअसल कल्याण सिंह लोध समाज से आते हैं और मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में लोध समाज के 1,00,000 से भी ज्यादा वोटर हैं। लेकिन इनके संस्कार कैसे हैं? विधानसभा में जब कार्रवाई चल रही थी, श्री अखिलेश यादव का वहां अहंकार बोल रहा था। आपने सुना था जब मेरी उनकी बहस हो रही थी, सुना था कि नहीं सुना था? और कल उनके चुनावी चाचा का भी अहंकार बोल रहा था, रविराज साक जी के बारे में जो बोला है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, मैं उनको गाली का जवाब गाली से नहीं देता। जाहिर है अब जबकि प्रचार का शोर थमने में सिर्फ 2 दिन शेष हैं, तो सपा और भाजपा दोनों ने आग पाग की रफ्तार बढ़ा दी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात खतौली की, जहां चुनावी पारा आसमान पर है। जयंत चौधरी के रोड शो ने आज तपिश और बढ़ा दी। रालोद के मुखिया अपने प्रत्याशी मदन भैया को जिताने गांव गांव और नुक्कड़ नुक्कड़ तक में सभाएं कर रहे हैं, तो भाजपा ने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। छोटे छोटे वोट बैंक को भी अपने पाले में करने के लिए बड़ी रस्साकशी चल रही है। गांव की गलियों से कस्बों के रास्तों तक पॉलिटिक्स की पदयात्रा गुजर रही है। एक ओर योगी सरकार के मंत्री हैं, हाथ में भाजपा के कमल छाप पर्चे हैं, सरकार की उपलब्धियों के चर्चे हैं। दूसरी ओर जयंत चौधरी के साथ गांव-गांव रालोद की दौड़ है, चुनाव प्रचार का शोर है। पिछले एक हफ्ते में जयंत चौधरी 60 से ज्यादा गांवों का दौरा कर चुके हैं, मदन भैया को जिताने के लिए लोगों से मिल चुके हैं, और अब दावा है कि रालोद के हैंडपंप से इतना पानी निकलेगा जो खतौली में भाजपा की फौज को उखाड़ फेंकेगा। गाँव में हमारी ताकत है, हमारे लोग हैं, उनके बीच रहकर मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे और एनर्जी ताकत मिल रही है, प्रेरणा मिल रही है, और इतना पानी निकालेंगे नल से कि किसानों के चेहरे पे मुस्कुराहट आए। खतौली में भाजपा रालोद के मदन भैया की बाहुबली वाली छवि को लेकर हमलावर है। बुधवार को सीएम योगी ने भी
जनसभा के जरिए सवाल उठाया था। मदन भैया की बाहुबली छवि को लेकर रालोद पर हमला बोला था। रालोद का नाम अपराध और गुंडा राज से जोड़ा था। पहले यहाँ पर केरान और कांधाला से प्लान होता था, हर एक कस्बे में आकर के गुंडे जाकर के एक एक व्यापारी से गुंडा टैक्स वसूली करते थे, राज चलते हुए राहगीरों की हत्या करते थे। अन्नदाता किसान अपने खेतों में नहीं जा सकता था, बहन बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी और बहनें मार्केट में जाकर के घर के लिए आवश्यक सामग्री नहीं खरीद सकती थी। भाइयों बहनों, आज केरान और कांधाला का प्लान बंद हुआ, जो भागे हुए थे वे व्यापारी वापस आए हैं। आज फिर से केरान और कांधाला में रौनक फिर से देखने को मिल रही है। अब मुख्यमंत्री योगी के इस बयान पर जयंत चौधरी ने विक्रम सैनी के बहाने निशाना साधा है। जयंत ने कहा, कवाल कांड में किसे सजा मिली है सब जानते हैं, हमारे प्रत्याशी पर ऐसा कोई आरोप नहीं ना ही सजा मिली है। मुख्यमंत्री कल आए थे और मुख्यमंत्री एक बात कह के गए हैं और राष्ट्रीय लोकदल पर भी तंज कसे और ये कहा राजनीति का अपराधीकरण ना होने दें, तो आपको लग रहा है इस तरह की चीजें? बिल्कुल, वो मुख्यमंत्री याद करें कि यहाँ पे सीट वेकेंट क्यों हुई, यहाँ चुनाव क्यों हुआ, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के विधायक जिनको दोबारा उनकी पार्टी ने टिकट दिया उनको दोषी न्यायालय ने करार दिया। तो अगर कोई दोषी पाया जाता है तो राजनीति से उसे बाहर कर दिया जाता है, वो जनप्रतिनिधि होने लायक नहीं रहता। हमारे प्रत्याशी पर ऐसा कोई आरोप नहीं है। आपके प्रत्याशी जो विधायक थे उनको हटाया गया, आपने उन्हीं के परिवार से दोबारा एक सदस्य को चुना है सिर्फ एक संदेश देने के। इस बीच भाजपा ने खतौली के संग्राम को जीतने के लिए बूथ चलो अभियान की शुरुआत कर दी है। भाजपा सरकार के मंत्री नेता और कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं, भाजपा के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है और आप लोगों के देखिए 2022 में, 2019 में, 2017, 2024 जनता ने भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। मोदी जी देश में और योगी आदित्यनाथ जी महाराज प्रदेश में जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात सीएम योगी के गुजरात दौरे की। आज छठी बार सीएम योगी ने गुजरात के रण में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। सीएम योगी ने पाटन, बनासकांठा, अहमदाबाद, वडोदरा जिले में चुनावी सभाएं की। इस दौरान सीएम योगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर बरसे। सीएम योगी ने कहा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाती है, इन्हें भारतीय सेना के जवानों पर संदेह है। सीएम योगी ने कांग्रेस पर सरदार पटेल का सम्मान न करने का भी आरोप लगाया। और स्वतंत्र भारत में भारत के एकीकरण का मार्ग कैसे प्रशस्त हो, तब लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कमान अपने हाथों में ली थी। भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस के उन्हीं नेताओं के हाथों में जिनके हाथों में बागडोर आजादी के बाद आई थी, अगर देश के एकीकरण की बागडोर उनके हाथों में होती तो जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम तो पहले ही आंखें दिखा चुका था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, भाइयों बहनों, ये दोनों देश की सुरक्षा और देश के विकास के बाधक तत्व हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर पाती? आपको लगता है कर पाती? क्या कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर पाती? और क्या काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कांग्रेस कर पाती? भाइयों बहनों, जब ये लोग ये काम कर नहीं सकते, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा नहीं सकते, भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकते, भारत को समृद्धि के पथ पर अग्रसर नहीं कर सकते, तो इनको वोट देकर के हम अपना लोकतांत्रिक अधिकार को क्यों खराब करना चाहते हैं? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।